मथुरा कलेक्ट्रेट पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव शुरू हो गया है। दोनों प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सिकरवार और किशन चौधरी मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं और मतदान की आवश्यक औपचारिकताएं उनके द्वारा पूरी कर ली गई हैं। 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी चौकसी बरती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं Gninenews। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में और जिलाधिकारी की जो कोर्ट है उसी में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हो रहा है उसका मतदान होना है। ठीक 10:50 पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सिकरवार यहाँ पर पहुँचे हैं और 10:57 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किशन सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं। दोनों प्रत्याशी अंदर पहुँच चुके हैं। 11 बजे ठीक मतदान शुरू होना है तो वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी SSP और ADM प्रशासन ADM वित्त राजस्व और SP सिटी CO सिटी भारी पुलिस बल और अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। और जिला कलेक्ट्रेट के पास इस समय जो भी आदमी के यहाँ पर अंदर एंट्री हो रही है तो उनके बिल्कुल परिचय पत्र देके जा रहे हैं। इसमें कलेक्ट्रेट के या तो जो कर्मचारी हैं या जिनकी आज यहाँ पर ड्यूटी लगाई है वही व्यक्ति यहाँ से केवल प्रवेश कर रहे हैं और उनकी भी बड़ी चेकिंग करने के बाद उनका पहचान पत्र आदि सब देखने के बाद यहाँ से अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ 11 बज चुके हैं और जो मतदान का समय है 11 से 3 वो शुरू हो चुका है। दोनों प्रत्याशी यहाँ पर अंदर हैं और दोनों प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त बहुमत है। अब देखना यह है कि यहाँ पर मतदाता आएंगे और अपना मतदान करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि मथुरा जिले में 33 जिला पंचायत के सदस्य हैं और 33 सदस्य यहाँ पर मतदान करेंगे और दो पार्टी भाजपा लोकदल द्वारा यहाँ अपने प्रत्याशी मैदान में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। 3 बजे तक मतदान होगा। 3 बजे के तुरंत बाद उनके मतों की गणना होकर और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो अब देखना यह है कि यहाँ बाजी कौन सी पार्टी मारती है और किसके सिर पर सहरा होगा जीत का, ये देखने की बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि अभी मतदाता यहाँ पर कोई पहुँचे नहीं है। बताया जा रहा है दोनों दलों के मतदाता एक साथ आएंगे, भाजपा के एक साथ आएंगे और राष्ट्रीय लोकदल के एक साथ आएंगे। अब उन्हीं का इंतजार हो रहा है। बहरहाल यहाँ पर चुनाव की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। Gninenews के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।